वी आर डूइंग चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. ये रिवीजन है बिकॉज यू हैव डन दिस चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. एंड कल मैंने करवाया था लाहौर सेशन तक एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 11 डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी. लाहौर सेशन में आपने पढ़ा था कि इट वॉज हेल्ड इन दिसंबर मंथ इन 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. हाउ मेनी प्रोविजंस वर देयर? फोर. और आपको फोर की फोर प्रोविजंस आनी चाहिए. फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने क्या मांगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस. एंड देन सेकंड प्रोविजन क्या थी? 26 जनवरी पंडित नेहरू प्लेस्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन द होल ऑफ इंडिया. फिर उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी की डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देन कांग्रेस वुड बायकॉट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वॉज डिक्लेयर्ड बाई लॉर्ड इरविन आफ्टर द फेलियर ऑफ साइमन कमीशन. तो अब नेक्स्ट आ गया 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी. अब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखी. गांधी जी रोट लेटर टू लॉर्ड इरविन ऑन 31st जनवरी ये लर्न रखना है 1930. ही रोट लेटर टू लॉर्ड इरविन ऑन 31st जनवरी 1930 क्योंकि जो लाहौर सेशन है वो दिसंबर 1929 में हुआ तो 1929 के बाद आना है 1930 और मंथ आना है दिसंबर के बाद जनवरी. तो जनवरी की लास्ट डेट आपने लिखनी है 31st जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखी लॉर्ड इरविन को एंड इन दैट ही पुट फॉरवर्ड हाउ मेनी डिमांड्स? 11 डिमांड्स. उसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स रखी. आस्क्ड इरविन टू फुलफिल द डिमांड्स गेव अल्टीमेटम. उन्होंने अल्टीमेटम डेट जो दी दैट वॉज 11th मार्च. 11 डिमांड्स 11th मार्च. तो ही रोट लेटर टू लॉर्ड इरविन गेव एन अल्टीमेटम दैट हिज डिमांड्स मस्ट बी फुलफिल्ड बाय विच डेट? 11th मार्च. तो इस वजह से याद रहेगा ना 11 डिमांड्स 11th मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया कि उनकी डिमांड्स 11th मार्च तक पूरी कर दी जाए. बट इरविन सेड ऑल द डिमांड्स यूजलेस इरियलिस्टिक नॉट बी फुलफिल्ड. उसने कहा कुछ भी पूरा नहीं होना. तो दैट्स वाई गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 12th मार्च. अभी आपको कभी नहीं भूलेगा डेट एंड ईयर 12th मार्च 1930 क्योंकि 11th मार्च तक का तो टाइम दिया था तो इरविन ने मना कर दिया कि ही वुड नॉट फुलफिल द डिमांड्स. तो दैट्स वाई गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 12th मार्च 1930. तो दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद सॉल्ट मार्च डांडी मार्च. इसको सॉल्ट मार्च भी कहते हैं डांडी मार्च भी कहते हैं कि पेपर में सॉल्ट मार्च आ जाए तब भी यही लिखना है डांडी मार्च आ जाए तब भी यही लिखना है. ये नहीं कहना हमने ये नहीं किया हुआ. दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद सॉल्ट मार्च एंड डांडी मार्च. अब मीनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिसओबे ब्रिटिश रूल. इन दिस मूवमेंट गांधी जी आस्क्ड ब्रिटिश गांधी जी आस्क इंडियंस टू डिसओबे द ब्रिटिश रूल. एक मिनट. इन दिस मूवमेंट ही आस्क्ड इंडियंस टू डिसओबे ब्रिटिश रूल एंड साथ में एक और बात बोली नॉट टू कॉपरेट. नॉट टू कॉपरेट तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन में ही बोला था. यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दी डिसओबे भी करो जो भी वो रूल्स बनाते हैं उन्हें फॉलो नहीं करना. बट बेस फिर भी क्या रखा? नॉन वायलेंस बिकॉज गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. अब ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की 12th मार्च 1930 को विद 78 वॉलंटियर्स. हाउ मेनी वॉलंटियर्स वर विद महात्मा गांधी? 78 वॉलंटियर्स. सरोजनी नायडू वाज वन ऑफ द वुमन मेंबर हु जॉइंड दिस मार्च फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो पूछते होते पेपर में वुमेन मेंबर बताओ जिसने इस मार्च को बिगनिंग में ज्वाइन किया तो दैट वाज सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू वाज द वुमेन मेंबर हु जॉइंड दिस मार्च फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. 78 वॉलंटियर्स के साथ इस मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट कर लिया. इन दिस मूवमेंट ही वॉक्ड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी कोस्ट. कहाँ से कहाँ जाना था? साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट एंड डिस्टेंस वाज 240 माइल्स. इतना चलना था गांधी जी ने 240 माइल्स. साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट का डिस्टेंस 240 माइल्स. गांधी जी वॉक्ड डेली 10 माइल्स. 10 माइल्स चलते. जहां पे 10 माइल्स कंप्लीट होते ही टुक रेस्ट डिलीवर्ड स्पीचेस.
तो वो रेस्ट करते, स्पीचेस देते, वुमेन विद देयर किड्स केम आउट ऑफ देयर हाउसेस टू लिसन टू द स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी एंड वुमेन वर सो इम्प्रेस्ड दैट दे ज्वाइंड दिस मार्च, उन्होंने इस मार्च को ज्वाइन किया विद देयर किड्स. अदर पीपल ऑन द वे ऑल्सो ज्वाइंड दिस मार्च, इस मार्च को सबने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, जो जो रास्ते में गांधी जी की स्पीचेस सुनता सब ज्वाइन करते. तो व्हेन ही रीच डांडी कोस्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि 78 थे वो पहुंच गए 2 लाख. इमेजिन करो कितने लोगों ने रास्ते में ज्वाइन किया. नंबर ऑफ मेंबर रीच टू 2 लाख, फ्रॉम 78 इट रीच टू 2 लाख. ही रीच डांडी कोस्ट ऑन 6 अप्रैल 1930. आप काउंट करो अपने आप आ जाएगा. रोज 10 माइल्स 240 को, तो अपने आप 6 अप्रैल आएगा. ही रीच डांडी कोस्ट ऑन 6 अप्रैल 1930 एंड हियर ही ब्रोक डाउन द सॉल्ट लॉ बाय बॉइलिंग सी वाटर बाय कलेक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी. तो इस वजह से उन्होंने सॉल्ट कलेक्ट कर लिया. बिकॉज ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू कलेक्ट सॉल्ट, ब्रिटिश सॉल्ट कलेक्ट करने नहीं देते थे. ब्रिटिश खुद सॉल्ट कलेक्ट करके इंडियन मार्केट्स में टैक्स लगा के उसे महंगा बेचते थे. तो गांधी जी ने सॉल्ट को खुद कलेक्ट करके इस लॉ को तोड़ा, सॉल्ट लॉ को तोड़ा. व्हेन गांधी जी सॉल्ट क्यों सिलेक्ट किया, ब्रिटिश की मोनोपोली, टैक्सेस नहीं लगाते थे इंडियंस पे. तो गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट लॉ को तोड़ा. व्हेन गांधी जी ब्रोक डाउन द सॉल्ट लॉ, पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो स्टार्टेड ब्रेकिंग द रूल्स मेड बाय द ब्रिटिश. दे रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्सेस. उन्होंने और भी जो रेवेन्यू ब्रिटिश लगाते थे वो भी देने बंद कर दिए. इन फॉरेस्ट एरियाज फॉरेस्ट ड्वेलर्स स्टार्टेड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिकॉज दे वर नॉट अलाउड, नो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इन कंट्री साइड पीपल रिफ्यूज टू पे रेवेन्यूज टू तालुकदार. तो जगह जगह लोगों ने ब्रिटिश रूल्स को, वो तो इंडियंस के रूल्स को भी तोड़ रहे थे, तो इस वजह से लोग जगह जगह वायलेंट हो गए. इन पेशावर अब्दुल गफर खान ही ब्रोक डाउन द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश. तो हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफर खान. अब्दुल गफर खान को कहते हैं फ्रंटियर गांधी. ही ब्रोक डाउन द लॉज मेड बाय ब्रिटिश इन पेशावर. अब्दुल गफर खान, पंडित नेहरू वर अरेस्टेड बाय ब्रिटिश. नियर अबाउट 1 लाख पीपल वर इन जेल. 1 लाख के करीब लोग जेलों में बंद थे एंड दे वर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, क्योंकि उन्होंने रूल्स तोड़े थे. तो गांधी जी आस्क्ड इरविन टू रिलीज दीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स. इरविन और गांधी जी में एक पैक्ट साइन हुआ. गांधी जी ने इरविन को बोला कि इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए. तो दोनों में एक पैक्ट साइन हुआ जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट. पेपर में पूछ लेना उन्होंने 2 मार्क्स में, गांधी इरविन पैक्ट. पैक्ट का मतलब समझौता. कब साइन हुआ, 5 मार्च, आपको ये डेट याद करनी है, 1931. अब ईयर चेंज है क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी पहुंचे थे. तो फिर लॉस थोड़े उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, पूरा टाइम लग गया, लोगों को रेस्ट किया, वायलेंस हुई पूरे ऑल ओवर इंडिया में. अब ईयर आ जाना 1931. तो लॉर्ड इरविन एंड महात्मा गांधी में एक पैक्ट साइन हुआ. अब इस पैक्ट की प्रोविजंस क्या थी. फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी की एक ही शर्त थी, टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. तो उधर से इरविन की 2 शर्तें थी. उसने गांधी जी को बोला टू कॉल बैक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अपनी मूवमेंट वापस लो, एंड टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वुड बी हेल्ड इन लंडन. तो ये उसकी 2 शर्तें थी. गांधी जी की एक ही शर्त थी, टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. क्या अटेंड की, सेकेंड वाली की अटेंड, फर्स्ट वाली का बाइकॉट किया था कांग्रेस ने. कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट किया, सेकेंड को अटेंड किया था.
तो इरविन की शर्त थी अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वुड बी हेल्ड इन लंडन, और साथ में कहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल बैक करो। गांधी जी की एक ही प्रोविजन थी, एक ही शर्त थी, रिलीज द पोलिटिकल प्रिजनर्स। अब गांधी जी ने सॉल्ट ही क्यों चुना, पहले मैं ये बता दूं, सॉल्ट जो था ना एक ऐसी कमोडिटी दैट वॉज यूज इन ईच एंड एवरी किचन, मे बी ऑफ रिच एंड ऑफ पुअर, हर एक के घर में यूज होता था। तो ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी, दे देमसेल्व्स कलेक्टेड सॉल्ट एंड देन इम्पोज टैक्सेस ऑन द सॉल्ट एंड सोल्ड इट इन इंडियन मार्केट एट हाई रेट। तो दैट्स वाई गांधी जी वॉन्टेड टू ब्रेक दिस लॉ, बिकॉज आप लिख सकते हो कि इट वॉज यूज इन, आप कह सकते हो कि यूज इन ईच एंड एवरी किचन, मे बी ऑफ रिच मे बी ऑफ पुअर, एंड ऑन द अदर हैंड गांधी जी वॉन्टेड टू चैलेंज द हायर अथॉरिटी, एक इतनी बड़ी अथॉरिटी को एक छोटी सी कमोडिटी से चैलेंज करना चाहते थे बाई यूजिंग स्मॉल कमोडिटी दैट वॉज सॉल्ट। तो एक इतनी बड़ी अथॉरिटी को एक सॉल्ट के साथ, इतनी सी छोटी सी कमोडिटी सॉल्ट, उसके साथ चैलेंज करना चाहते थे। तो इस वे से आप बताओगे दैट्स वाई सिलेक्टेड सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हर किचन में यूज होता था, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, हर एक के किचन में यूज होता था। तो ब्रिटिश इंडियंस को कलेक्ट नहीं करने देते थे, खुद कलेक्ट करते थे, टैक्स लगाते थे, सॉल्ट टैक्स, एंड हाई रेट में मार्केट्स में बेचते थे। तो गांधी जी एक हायर अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते थे बाय यूजिंग अ स्मॉल कमोडिटी दैट वाज सॉल्ट। अभी आ गया कि क्यों उन्होंने सॉल्ट को सिलेक्ट किया। तो इस वे से इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लोग वायलेंट हो गए, तो लोग अरेस्ट हो गए। गांधी जी ने जब रिलीज करने के लिए बोला तो दोनों में, लॉर्ड इरविन एंड महात्मा गांधी में, पैक्ट साइन हुआ। उस पैक्ट की प्रोविजंस मैंने अभी बताई हैं। गांधी जी ने कहा रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इरविन ने बोला अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होगी एंड कॉल बैक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी ने इरविन की दोनों शर्तें पूरी की, ही कॉल्ड बैक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च हुई थी। अब गांधी जी लंदन चले गए, जब लंदन गए तो इस मूवमेंट को वापस लेके गए, और वहां जाके गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन में आप कह लो कि डिसअपॉइंटमेंट होगी गांधी जी को, लॉर्ड इरविन ने खुद उनकी शर्तों को पूरा नहीं किया, अपनी शर्तें पूरी करवाई, बट ही रिफ्यूज टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। दोनों में थोड़े क्लैशेस हुए, क्योंकि इरविन ने कहा कि वो किसी भी प्रिजनर को रिलीज नहीं करेगा, तो अब गांधी जी डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि उन्होंने इरविन की दोनों शर्तें पूरी की, उन्होंने कॉल बैक भी की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और लंदन भी गए थे, बट वहां पे ही गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज इरविन रिफ्यूज टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। साथ में यहाँ पे गांधी जी और बी आर अम्बेडकर में भी झगड़ा हुआ था ड्यू टू रिजर्वेशन सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके, तो इरविन वॉज ऑन द साइड ऑफ बी आर अम्बेडकर, वो तो खुद ही चाहता था कि इंडिया की डिवीजन हो जाए चाहे कास्ट के बेस पे हो जाए, तो वहां पे बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, तो गांधी जी ने वहां पे फास्ट एंड टू डेथ डिक्लेयर कर दिया था। तो बी आर अम्बेडकर को बाद में गांधी जी की बात माननी पड़ी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कहते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट जो था ना उसकी प्रोविजंस में से गांधी जी ने अपनी शर्तें तो पूरी कर दी, बट इरविन रिफ्यूज्ड। तो गांधी जी केम बैक इंडिया, अब इंडिया वापस आए 1932 में, आके देखा स्टिल पंडित नेहरू अब्दुल गफर खान फिर जेलों में, स्टिल पीपल वर इन जेल, लोगों को जेलों में देखा, तो ही डिसाइडेड टू री लॉन्च इस मूवमेंट को, उन्होंने कहा वो दोबारा लॉन्च करेंगे, री लॉन्च करेंगे। तो ही डिसाइडेड टू री लॉन्च दिस मूवमेंट, बट दिस टाइम पीपल लॉस्ट देयर फेथ, दे डिडंट जॉइन दिस मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट वॉज टोटली फेल्ड इन 1934। 30 में स्टार्ट हुई, 1934 में ये मूवमेंट टोटली फेल हो गई, आपको ये आना चाहिए कि 34 में टोटल फेल हो गई, फिर नहीं दोबारा नहीं लॉन्च की, दो बार लॉन्च हुई है ये मूवमेंट 1932 में। गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने आके देखा स्टिल पीपल वर इन जेल, दोबारा रीलॉन्च की, बट पीपल लॉस्ट देयर फेथ, फिर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, 34 में ये मूवमेंट वॉज टोटली फेल्ड। अब ये मूवमेंट फेल हो गई सिविल डिसोबीडियंस, अभी मैं इतने बाद में फिर बोलती हूँ। गांधी जी ने क्या लिखी, लेटर लाहौर सेशन के बाद, किसको लिखी, लॉर्ड इरविन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देन, लॉर्ड इरविन, तो उसको क्या लिखी लेटर, हाउ मेनी डिमांड्स ही पुट फॉरवर्ड इन दैट लेटर, 11। कौन सी डेट का अल्टीमेटम, कौन सी डेट को लिखी, 31 जनवरी 1930, तो अल्टीमेटम किस डेट का दिया, 11th मार्च, तो कितनी डिमांड्स थी, 11। इरविन ने क्या बोला, सारी डिमांड्स यूजलेस।
तो गांधी जी ने फिर कौन सी डेट को कौन सी मूवमेंट लॉन्च कर दी? 12 मार्च 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च, कुछ भी कह दो इसको। कितने वॉलंटियर्स थे? कहां से कहां जाना था? साबरमती आश्रम टू डांडी। डिस्टेंस वाज 240 माइल्स। ही डेली वॉक्ड वेयर एवर स्टॉप्ड, गेव स्पीचेस एंड टुक रेस्ट। तो वहां पे लोगों ने इस मूवमेंट को बढ़ चढ़ के, जो जो घरों से आता है इस मूवमेंट को ज्वाइन करता चला गया, सबने ज्वाइन किया, लोगों की पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में बढ़ गई। जब वो डांडी कोस पहुंचे, ऑन विच डेट ही रीच डांडी कोस? 6 अप्रैल ईयर 1930 ही रीच डांडी कोस। एंड तो नंबर ऑफ मेंबर रीच टू लाख। अब वहां पे जाके क्या किया? सॉल्ट ला को तोड़ा बाय कलेक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी। तो उसके बाद गांधी जी को देखते अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश रूल्स को तोड़ा, लोगों ने रेवेन्यू देने बंद किए, टैक्सेस देने बंद किए, लोगों ने चौकीदारी टैक्सेस देने बंद किए, फॉरेस्ट वेलर्स ने फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो इस वजह से जगह जगह लोग वायलेंट हो रहे थे, रूल्स को तोड़ रहे थे। दिस वॉज नॉट टॉलरेटेड बाई ब्रिटिश। एंड पेशावर में भी, तो अब इंडिया का, इंडिया पाकिस्तान थोड़ा था तब, पेशावर भी इंडिया का ही पार्ट था। तो पेशावर में अब्दुल गफर खान ने क्या किया? ब्रोक डाउन द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश। ही वॉज अरेस्टेड। अब्दुल गफर खान को हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी। ही वॉज अरेस्टेड। कौन कौन अरेस्ट हुए? पंडित नेहरू, अब्दुल गफर खान, देवर इन जेल। हाउ मेनी प्रिजनर्स वर इन जेल? नियर अबाउट 1 लाख। तो गांधी जी इनको रिलीज कराना चाहते थे, दैट्स वाई वन पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। इसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। कब साइन हुआ? 5 मार्च 1931। अब इसकी कितनी प्रोविजंस थी? 3। गांधी जी की तरफ से क्या प्रोविजन थी? रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, फ्रीड द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो उधर इरविन ने क्या बोला? कॉल बैक योर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और साथ में एक और शर्त रखी, टेंड द सेकंड राउंड टेबल दैट वुड बी हेल्ड इन, क्योंकि ब्रिटिश को कहीं ना कहीं इंसल्ट फील होती थी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस ने बाइकॉट कैसे कर दिया, अब इनसे हम सेकंड तो अटेंड करवाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने शर्त रखी कि आप अटेंड करो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आपको इंग्लैंड आना पड़ेगा। तो गांधी जी गए, उन्होंने अपनी मूवमेंट भी वापस ली, इंग्लैंड भी गए। वहां जाके ही गॉट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो तो दोनों शर्तें पूरी करके गए। वहां जाके इरविन ने क्या कहा? ही वुड नॉट रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। केम बैक, डिसाइडेड टू रीलॉन्च। दोबारा क्या किया? रीलॉन्च, दोबारा लॉन्च की कौन सी मूवमेंट? बट दिस टाइम पीपल लॉस्ट देयर फेथ एंड दे डिडंट जॉइन दिस मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट वाज टोटली फेल्ड इन 1934। अब ऐसा क्या हुआ? लोगों का फेथ चला गया इस मूवमेंट से। तो इसमें हम कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिच पीजेंट्स पुअर पीजेंट्स, हाउ पीपल पार्टिसिपेटेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसको आप पार्ट्स में बांट के करोगे। पहले तो आप बताओगे रिच पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स जो थे ना, अगर इस वे से करोगे, पैराग्राफ बना के ए बी पार्ट ऐसे बना के करोगे, इट विल बिकम इजी फॉर यू। नहीं तो पेपर में तो उन्होंने सिंपल पूछना है, हाउ पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड दिस मूवमेंट, तो आपको खुद सेपरेट करना है रिच पीजेंट्स पुअर पीजेंट्स। वो पूछते होते हाउ इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेटेड दिस मूवमेंट, तो यू हैव टू सेपरेट इट बाय राइटिंग के इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर्स। ठीक है, आपको खुद सेपरेट करना है, सेपरेट करके करोगे तो इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको भूल जाएगा कुछ भी बीच में से। हाँ, तो आप पहले बताओगे रिच पीजेंट्स। रिच में आप बताओगे पतिदार सोफ गुजरात, जाट सोफ उत्तर प्रदेश, ये नाम याद रखने हैं, पतिदार सोफ गुजरात, जाट सोफ उत्तर प्रदेश वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट। ये रिच पीजेंट्स थे, दे वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट। अब रिच पीजेंट्स वो तो रिच थे, why they joined this movement? They joined this movement because, अब अपने आप सोचो, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन से years में आई है? उन दिनों क्या चल रहा था पूरे वर्ल्ड में? years of depression, क्योंकि 1929 से लेके अगर हम बात करें 32 तक, तो पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहे थे? years of depression पूरे वर्ल्ड में थे। तो इंडिया तो एक कॉलोनी थी, इंडिया में तो पुअर कंडीशन थी वैसे ही, इंडिया तो वैसे ही ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इंडिया में तो लोग एज ए स्लेव ट्रीट होते थे, तो इंडिया के लोगों को तो टैक्सेस भी देने होते थे, तो इंडिया की तो वर्स्ट कंडीशन थी उन दिनों। तो ये मूवमेंट भी उन्हीं दिनों में लॉन्च हुई। तो अब रिच पीजेंट्स जो थे ना, दे वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश बिकॉज इयर्स ऑफ डिप्रेशन वर गोइंग ऑन। नहीं तो आपको आपको लगेगा कि रिच ने क्यों ज्वाइन की, वो तो ऑलरेडी रिच थे।
तो रिच वर नॉट इन कंडीशन टू पे, क्या नहीं पे कर पा रहे थे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, दे वॉन्टेड टू रिमिट देअर रेवेन्यू, क्योंकि डिप्रेशन के ईयर थे तो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, वो रेवेन्यू माफ कराना चाहते थे. दैट्स वाई दे ज्वाइंट दिस मूवमेंट. उनको लगता था कि गांधी जी वुड हेल्प देम टू रिमिट देअर रेवेन्यू फ्रॉम द ब्रिटिश, कि उनको लगता था कि गांधी जी उनका रेवेन्यू ब्रिटिश से माफ करवा देंगे. दैट्स वाई दे ज्वाइंट दिस मूवमेंट एंड दे वर द फाइनेंशियल सपोर्टर. कहीं ना कहीं अगर मूवमेंट लॉन्च होती है तो पैसा भी चाहिए होता, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल सपोर्टर भी थे. तो दे ज्वाइंट दिस मूवमेंट होल हार्टेडली. बट वेन गांधी जी कॉल्ड बैक दिस मूवमेंट वाइल गोइंग लंडन, जब वो लंडन गए थे इरविन के कहने पे, तो ही डिडंट कंसल्ट विद दीज पीपल, ही डिड नथिंग फॉर दीज पीपल. इनके रेवेन्यू रिमिट नहीं करवाए थे. ही वेंट लंडन एंड ही कॉल्ड बैक हिज मूवमेंट एंड वेंट लंडन, डिडंट कंसल्ट विद रिच पीजेंट्स, इनसे कंसल्ट नहीं किया था. वेन ही केम बैक एंड रीलॉन्च दिस मूवमेंट, रिच पीजेंट्स लॉस्ट देयर फेथ एंड दे डिडंट ज्वाइन दिस मूवमेंट. उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया. अभी आ गया रिच पीजेंट्स, पतिदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. क्या थे ये लोग? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट. क्यों ज्वाइन की मूवमेंट? ये मूवमेंट रिच ने क्यों ज्वाइन की? बिकॉज ईयर्स ऑफ कौन से जा रहे थे? डिप्रेशन के ईयर्स चल रहे थे. एंड रिच पीजेंट्स दे वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू, दे वॉन्टेड टू रिमिट देअर रेवेन्यू फ्रॉम द ब्रिटिश. दे वर ऑन द व्यू दैट गांधी जी वुड हेल्प देम टू रिमिट देअर रेवेन्यू, बट गांधी जी ने उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया. जब गांधी जी लंडन गए टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ही डिड नथिंग फॉर दीज पीपल, ही डिडंट कंसल्ट विद दीज पीपल. ही वेंट लंडन आफ्टर कॉलिंग बैक हिज मूवमेंट एंड व्हेन केम बैक ही रीलॉन्च्ड दिस मूवमेंट, रिच पीजेंट्स लॉस्ट देयर फेथ एंड दे डिडंट ज्वाइन. तभी ये फेल हो गई थी टोटल, क्योंकि लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया था सेकेंड टाइम. इसी में फिर आप बी पार्ट बना के लिखोगे पुअर पीजेंट्स अपने आप. तो पुअर पीजेंट्स में आप बताओगे कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस हैड गुड रिलेशंस विद रिच पीजेंट्स. तो पुअर की जो फाइट थी ना, दैट वाज विद नॉट ब्रिटिश. पुअर की फाइट जो थी दैट वाज विद रिच पीजेंट्स. पुअर पीजेंट्स तो ब्रिटिश के साथ लड़ ही नहीं रहे थे. पुअर पीजेंट्स हैड देयर फाइट विद रिच पीजेंट्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू रिमिट देअर रेंट, लैंड रेंट. वो उनकी लड़ाई, रिच की लड़ाई ब्रिटिश के साथ थी, क्योंकि रेवेन्यू कौन कलेक्ट करते थे? ब्रिटिश. तो पुअर की लड़ाई रिच पीजेंट्स के साथ थी, पुअर की लड़ाई ब्रिटिश के साथ नहीं थी. बिकॉज पुअर पीजेंट्स वॉन्टेड टू रिमिट देअर लैंड रेंट, ये रेंट माफ कराना चाहते थे किराया. ये लैंड रेंट किसको देते थे? रिच पीजेंट्स को. तो ये रेंट माफ करवाना चाहते थे, तो इसलिए इनकी लड़ाई तो ब्रिटिश के साथ थी नहीं. बट कांग्रेस हैड गुड रिलेशंस विद रिच पीजेंट्स एंड इट डिड नॉट वांट टू स्पॉइल इट्स रिलेशन विद रिच पीजेंट्स. सो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं हम कहेंगे पुअर पीजेंट्स वर इग्नोर्ड बाय कांग्रेस. कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको इग्नोर किया. पुअर पीजेंट्स वर इग्नोर्ड बाय द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के रिलेशन किसके साथ अच्छे थे? रिच पीजेंट्स. एंड कांग्रेस डिड नथिंग फॉर पुअर पीजेंट्स. तो इसलिए हम कहेंगे पुअर पीजेंट्स को इस मूवमेंट में अगर आना भी चाहते थे, बट कांग्रेस ने उनको इग्नोर किया, क्योंकि उनकी तो लड़ाई रिच पीजेंट्स के साथ थी. तो कांग्रेस तो रिच के ही साथ थी, रिच की डिमांड्स को लेकर चल रही थी, तो वो पुअर की डिमांड्स कैसे पूरी कराती? अभी आ गया रिच की लड़ाई किसके साथ थी रिच पीजेंट्स की? ब्रिटिश, क्योंकि वो क्या माफ कराना चाहते थे? रेवेन्यू. On the other hand, poor had their fight with because they wanted to remit their land rent. Rent माफ कराना चाहते थे किराया, because ये लोग landless थे, इनके पास land नहीं थी. ये किराए पे land लेके अपने crops grow करते थे, तो land rent देना होता था इन्हें, तो ये rent माफ कराना चाहते थे. But Congress ने इनको ignore किया, because Congress had good relations with rich peasants and poor peasants were ignored by the Congress. तो अभी मैं आज इतना ही कराती हूँ. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी डेट को स्टार्ट हुई? वन मार्क क्वेश्चन. ऑन विच डेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड? 12th March 1930. व्हेन गांधी जी रीच दांडी कोस्ट? 6th April 1930. एंड गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5th March 1931. गांधी जी रोट लेटर टू लॉर्ड इरविन 31st January 1930. Lahore session was held in December 1929.
Lahore session was held in December 1920 under whose leadership? जवाहरलाल नेहरू. How many provisions were there? Four की four आनी चाहिए. How many provisions were there in Gandhi Urban Pact? Three. गांधी जी की डिमांड क्या थी? रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. इरविन की डिमांड क्या थी? कॉल बैक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और 60 में टू टेंड द कहां पे होनी थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आप बताओ. फर्स्ट को कांग्रेस ने अटेंड किया था. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय द कांग्रेस? नो, इट वाज नॉट अटेंडेड. तो सेकंड सक्सेसफुल रही? यस, बिकॉज इट वाज अटेंडेड बाय कांग्रेस. गांधी जी कहां गए थे? लंदन टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल. क्या वो वहां से खुश आए? क्योंकि किसने अपनी डिमांड पूरी करने से मना किया और आके रीलॉन्च कौन सी मूवमेंट की? अब मैं पूछू नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिस में डिफरेंस बताओ. नॉन कॉपरेशन का मीनिंग, सिविल डिस का मीनिंग, पहले तो यही डिफरेंस है. उसमें सिर्फ ये कहा था नॉट टू कॉपरेट. इधर तो कहा ब्रेक डाउन द लॉस मेड बाय ब्रिटेन. वो नहीं, वो भी मास मूवमेंट, वो भी थी, सत्याग्रह नहीं थी. उधर आप कहोगे कि जो नॉन कॉपरेशन थी ना, उसमें उन्होंने स्वराज मांगा. कांग्रेस डिमांडेड स्वराज. इधर उन्होंने पूर्ण स्वराज मांगा. क्या मांगा? हियर कांग्रेस डिमांडेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज. वेयर एज इन नॉन कॉपरेशन दे डिमांडेड स्वराज. नॉन कॉपरेशन में मुस्लिम्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. सिविल डिस में मुस्लिम्स आए नहीं थे. नॉन कॉपरेशन एक ही बार लॉन्च हुई थी. वेयर एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च फोर, हाउ मेनी टाइम्स? दो बार लॉन्च हुई है. मैंने पहले ही बोला कि आके फिर दोबारा रीलॉन्च की थी. तो इट मींस ये भी तो डिफरेंस है. नॉन कॉपरेशन लॉन्च फोर वन टाइम, वेयर एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च फोर टू टाइम्स. नो, इज इट क्लियर? हाँ, वो आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुई है. और ये कब हुई है? ये इयर्स ऑफ डिप्रेशन में हुई है. गुड. वो आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन के इयर्स चल रहे थे. नो, इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस आएगा, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिस में. सत्याग्रह मूवमेंट क्यों वापस ली थी? बिकॉज वो मास मूवमेंट नहीं थी. वो लिमिटेड टू द एरियाज वेयर गांधी जी विजिटेड. Other parts of India, people did not know about the Satyagraha movement.